Hello everyone, welcome again Palsaniya nursing classes. Today we'll discuss about the liver abscess. What is the liver abscess? We completely discuss in this video. चलिए start करते हैं. क्या होता है? First of all, definition की बात करते हैं अपन. Definition क्या होती है? Liver abscess is a local accumulation of the fluid filled cavity within the liver. कहने का मतलब suppose that liver के अंदर क्या हो रहा है? एक accumulation हो रहा है. किसका हो रहा है? पस का हो रहा है. तो बोल सकते हैं पस का formation. उसी को क्या कह देते हैं? Liver abscess कह देते हैं. ठीक है? देखिए abscess क्या है? Abscess is a localized collection of the pus anywhere in the body contained within a fibrous capsule. Abscess का मतलब क्या होता है? पस का formation. ये body के अंदर particular site में होगा. जैसे कि लीवर एप्सिस बोल देते हैं, इसी प्रकार अगर लंग्स में हो जाते हैं लंग एप्सिस बोल देते हैं. क्लियर है? और किसके साथ होगा? फाइब्रस कैप्सूल के साथ में प्रेजेंट होगा. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की. लीवर के लीवर एप्सिस तीन प्रकार का होता है, एम्बियोइक, पायोजेनिक और फंगल. चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं. इन टाइप्स को क्या होते हैं? एम्बियोइक के अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन होता है. ठीक है? कॉलोनिक इन्फेक्शन होता है जो कि इन्वेंसिव एंटोमोबिया टोलाइटिका से होता है. ठीक है? यंगर एज में 30 से 40 साल की एज में देखने को मिलता है और मेल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम देखने को मिलता है. और इसमें टोटल जो लीवर एप्सिस के अंदर 80% केसेज एम्बियोइक के देखने को मिलते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट पायोजेनिक क्या होता है? ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन बोलते हैं. इसके अंदर बैक्टीरियल की वजह से क्या होता है? एप्सिस होता है. जैसे इकोलाई वगैरह हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, इसकी वजह से होता है. और ये ज़्यादातर मिडिल एज में देखने को मिलता है. 51 एज इसको मीडियन मान लेते हैं एज को. ज़्यादातर ये जो ओल्ड एज होती है जैसे 45-50, तो इसकी मीडियन एज कितनी ले लेते हैं? 51-51 ले लेते हैं. मेल्स और फीमेल्स में दोनों में सेम देखने को मिलेगा. ठीक है? और इसकी अगर लीवर सिस्टम की बात करें, अकाउंट की बात करें, तो 10% केसेज हैं वो पायोजेनिक के देखने को मिलते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं फंगल. ये क्या होते हैं? फंगल किससे होता है? कैनिडा स्पीसीज से होता है. ठीक है? और लेस देन 10% केसेज देखने को मिलते हैं. ठीक है? अब इसकी इटोलॉजी की बात कर लेते हैं. क्या कौन कौन सी इटोलॉजी होती है? किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन एब्डोमिनल, जैसे अपेंडिसाइटिस, डर्बेटिकुलाइटिस, सेप्टिसीमिया, ट्रोमा, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट, लीवर कैंसर, इम्यूनोडेफिशेंसी, एंडोस्कोपी प्रोसीजर की वजह से भी हो सकता है, लीवर वाइस भी नीडल इंजेक्ट करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है. ये इटोलॉजी है. अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं कैसे होता है. इटोलॉजी फैक्टर की वजह से क्या होगा? इन्वेंजन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा. किसका? माइक्रो ऑर्गनिज का होगा. और कहाँ होगा? लीवर के अंदर होगा. क्लियर है? रिलीज करेंगे ये क्या? माइक्रोब्स का रिलीज करेंगे, टॉक्सिसिटी और सेल इंजरीज कर देंगे. उसकी वजह से क्या होगा? पस का फॉर्मेशन हो जाएगा. कहाँ? कैविटीज के अंदर. और सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे. ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी. किसकी? लीवर एप्सिस की. ठीक है? लीवर एप्सिस की पैथोफिजियोलॉजी अपन ने देख ली. क्या? इटोलॉजी फैक्टर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज एंटर होंगे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, कहने का मतलब कोलोनाइजेशन होगा. उसकी वजह वो क्या करेंगे? वहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, सेल इंजरी कर देंगे. सेल इंजरीज की वजह से क्या हो जाएगा? एप्सिस, कैविटीज, कैविटीज के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाएगा और सिम्टम देखने को मिलेंगे. ठीक है? आगे बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. तो यहाँ पे क्या होगा? राइट अपर एब्डोमेन के अंदर पेन होगा. ठीक है? नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेंगी, वेट लॉस होगा, राइट चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, एनुरेजिया हो जाएगा, डार्क कलर का यूरिन देखने को मिलेगा, क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलेगा. ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं. किसके? लीवर एप्सिस के. ठीक है? डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे? पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, ब्लड प्रोफाइल करेंगे जिसमें स्पेशली सीबीसी और इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, एब्डोमिनल यूएससी करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे इफ़ यू रिक्वायर्ड. ओके? ये इसकी डायग्नोस इवाल्यूशन थी. और लीवर की बायोप्सी भी करते हैं. मैनेजमेंट क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक देंगे. ठीक है? कीमोथेरेपी देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, एंटामिट्स देंगे और एंटीपायरेटिक्स देंगे, आईवी फ्लूड देंगे. ये इसकी क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट हो गया. ठीक है?
अब इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, लेप्रोस्कोपी, ड्रेनेज ऑफ द लीवर एब्सिस। देखिए इसको थोड़ा समझने करिए, इसके अंदर एक ट्यूब दिख रही होगी आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको देखिए ये क्या देख रहे हो, मिलकर ट्यूब इंसर्ट किया और ये ड्रेनेज, कहने का मतलब जो पस बन रहा था उसका ड्रेनेज इस किडनी ट्रे के अंदर स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लेप्रोस्कोपी इंसर्ट किया जा रहा है, छोटा सा इंसर्शन करते हैं, कट लगाते हैं उसके द्वारा करते हैं और ट्यूब इंसर्ट करके क्या कर देते हैं, लीवर के अंदर जो पस का फॉर्मेशन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, लेप्रोस्कोपी ड्रेनेज ऑफ लीवर एप्सिस, ठीक है। इसकी प्रोसेस हो गई। नर्सिंग मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग फीवर, फीवर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट का वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, टेम्परेचर स्पेशली, कोल्ड स्पंजी अप्लाई करेंगे, आईवी फ्लूड दे देंगे और पेशेंट को ओरली इनटेक फ्लूड बढ़ा देंगे, रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, और यहाँ पे जो कैलोरिक इनटेक स्मॉल और फ्रिक्वेंट डाइट, कैलोरी की डाइट देंगे वो भी स्मॉल देंगे और फ्रिक्वेंटली देंगे, ठीक है, एक साथ में नहीं देंगे, और सी बी सी रिपोर्ट को इवाल्युएट करेगी नर्स। दूसरी चीज़ एब्डोमेन पेन को रिलीफ करना है कैसे, पेशेंट के पेन का नेचर देखेंगे, बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, प्रिस्क्राइब वाली मेडिसिन एनाल्जेसिक वगैरह देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे सॉफ्ट फैट फ्री डाइट, कैलोरी वाली डाइट देंगे वो भी स्मॉल, जैसे मैं भी उन्होंने बताया अभी, फैट्स फ्री डाइट देंगे और एंटासिड देंगे। एंटासिड क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, किस तरह गैस्ट्रिक जो सीक्रेशन होता है उसका क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, इसलिए एंटासिड देंगे। कंफर्ट मेजर प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, जो अनक्रेज करेंगे जो डेरिवेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए, नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, असेसमेंट द पेन अबाउट द प्रोग्नेसी मेडिकेशन ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे पेशेंट को, उसकी एंजाइटी इंसोमिया को क्या करेंगे उसका लेवल असेस करेंगे, उसको नींद कम आ रही है, एंजाइटी हो रही है तो उसका लेवल असेस करना है, और एक्सप्लेन करेंगे लेवल ऑफ एंजाइटी इंसोमिया को, ठीक है, एक्सप्लेन ऑफ कंडीशन, कोज, मैनेजमेंट, प्रोग्नेंसी, होम केयर, ठीक है। डिस्करेज करेंगे कि पेशेंट को एल्कोहलिज्म नहीं करना, स्मोकिंग नहीं लेना, इनको अवॉइड करना है, ठीक है, और पेशेंट की जो ईटिंग मेथड है उसको हाइजीनिक कुकिंग करना है, ठीक है। आज के वीडियो में अपन ने लीवर एब्सिस के बारे में जाना है, छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।